तो हेडिंग हमारी पड़ेगी वेस्टिजियल ऑर्गन, और इसके अंतर्गत लिखें जीवों के वह भाग या वह पार्ट, जीवों के वह पार्ट जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो वर्तमान समय में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, वह भाग जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में इन एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में इन एक्टिव फॉर्म में पाए जा रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान समय के, वर्तमान समय के ऑर्गेनिज्म हैं इनमें जो है इनएक्टिव फॉर्म में पाए जा रहे हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन अन्य ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म व इनके एंसेस्टर में, यानी इनके पूर्वज में, इनके एंसेस्टर में एक्टिव फॉर्म में, इनके पूर्वजों में एक्टिव फॉर्म में, एंसेस्टर में एक्टिव फॉर्म में वह सिग्निफिकेंट फॉर्म में पाए जाते थे, एंसेस्टर में एक्टिव फॉर्म में वह सिग्निफिकेंट फॉर्म में पाए जाते थे, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, पाए जाते थे उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। नलाइन से लिखे यह ऑर्गन एंसेस्टर में पाए जाने वाले, यह ऑर्गन एंसेस्टर में पाए जाने वाले एडवांस पार्ट का, एंसेस्टर में पाए जाने वाले एडवांस्ड पार्ट का, यानी कि जो एडवांस भाग है उसका अवशेष माना जाता है, यानी रिमेन पार्ट माना जाता है, रिमेन पार्ट यानी कि अवशेष भाग माना जाता है, जिनका जिनका प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में, जिनका प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में कोई भी यूज ना होने के कारण, जिनका प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में कोई भी यूज यानी किसी भी प्रकार का प्रयोग ना होने के कारण यह इनएक्टिव हो गए हैं, यह इनएक्टिव हो गए हैं, मतलब इनका कोई कार्य नहीं रहा है। नलाइन से लिखे हैं ह्यूमन यानी मनुष्य कॉमा अदर एनिमल्स व प्लांट में, पौधों में भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, व प्लांट में कई वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये अभी देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर 100 से अधिक वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें भी वेस्टिजियल ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, डेट मीन्स वो ऑर्गन तो पाया जा रहा है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, उसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, प्लांट्स में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन है जो पाए जा रहे हैं, लाइक ऑर्गन कहने का अर्थ है कि उसके डेफिनेटली कंपोनेंट सेल्स जो भी बनी होगी, उन सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सेल्स यहाँ पर पाई जा रही है लेकिन उनका कोई मेन फंक्शन नहीं है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करेंगे वो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर छोटी सी डालिए, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग। तो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन कौन से है। तो लिख लें इसमें वैज्ञानिकों के अनुसार, मीन्स साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 100 से अधिक, 100 से मोर टाइप के, वैज्ञानिकों के अनुसार
100 से अधिक प्रकार के, 100 से अधिक प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन, 100 से अधिक प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, 100 से अधिक प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि जो मेन वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, जिनमें से मुख्य वेस्टिजियल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये क्या है? तो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग्स का, तो आपने देखा होगा कि जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन से जब सीकम वाले पोर्शन से अटैच होती है, तो वहां पर एक एक ऐसा स्ट्रिक एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, मतलब जहां पर कनेक्शन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है? तो इलियम सिकम, यानी कि जो इलियम वाला रीजन होता है, या हम कह सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जब वो सिकम वाले लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम वाले रीजन से अटैच होता है, वहां पर एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा, इसका मेन फंक्शन जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उन जंतुओं के अंदर जो प्लांट्स में आपको पता है सेलुलोज पाया जाता है, तो उनकी सेलवाल में जो सेलुलोज होता है उसके डाइजेशन को इसमें कराया जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में। लेकिन हम लोग तो अब घास फूस कच्चा तो खाते नहीं है ना, हम लोग जो घास फूस खाते हैं वो पका के खाते हैं सर, बाकी में घास फूस, अरे यार घास फूस कहने का मतलब है आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा, पुदीना, साग, आलू, सोया का साग, है ना, ये सब जो है ना, बथुआ, ये मेथी, ये सारा का सारा के अंदर जो, पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पका लेते हैं अच्छे से, पकाने के बाद में खाते हैं, तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, सेलुलोज तो आपने क्या कर दिया, डेफिनेटली उसको डाइजेस्ट कर दिया पकाने में ही, तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जो हर्बीवोर्स, दैट मीन्स जो कच्चा, हम ये कह सकते हैं साग सब्जी खाने वाले व्यक्ति थे पहले, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो पेड़ पौधा खा करके जीवित रहते होंगे हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, तो उनके अंदर सेलुलोज के डाइजेशन के लिए वर्मी फॉर अपेंडिक्स पाई जाती थी। आज का समय ऐसा हो गया कि हम लोग पका करके खाना खाते हैं, है ना, तो पका करके खाना खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सेलुलोज का क्या होता है, डाइजेशन होता था, लेकिन अब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। जब सेलुलोज का डाइजेशन ही नहीं होता है तो ये बॉडी के अंदर बेकार पड़ा हुआ है, तो नेचर ने खुद इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है। अब यही एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है कि अपेंडिक्स में डिजीज हो जाती है, ठीक है, डिजीज कैसे हो जाती है, कि नेचुरली क्या होता है कि जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन जो होती है डिजॉल्व हो जाती है, और आपको पता है यहाँ से जो फूड है ना, वेस्ट मटेरियल, वो सिकम में जाएगा, तो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, इसके अंदर भी आ जाएगा, और वेस्ट मटेरियल जब यहाँ पर भर जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सड़न पैदा होगी, जब सड़न पैदा होगी तो पेन होगा बहुत ज्यादा, और फिर क्या होता है, ऑपरेशन के थ्रू इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। कामा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, अब ये कौन सी मेम्ब्रेन है, तो आप अगर अपनी आई देखें, आंख देखें, तो आंख के इस लेटरल, नोज के लेटरल साइड के पास में यहां पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। अगर ध्यान से देखें अपने आईने में अपनी शक्ल को, सिर्फ चेहरे में आप अपनी खूबसूरती को ना देख करके, अगर आंख के अंदर भी झांक करके देखें ना, तो आपको यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लाइक यहाँ पर। तो ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जो सिमट के रह गया है, ठीक है, इसका अब हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, जिसको हम लोग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग प्लीका एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्लीका सेमाइलुनेरिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्लीका सेमाइलुनेरिस जो है, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक वाटर के अंदर जो जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, लाइक फ्रॉग वगैरह अगर आप देखें, या फिशेस की बात करें, तो इनके ऊपर एक श्लेष्म झिल्ली जो है ना, आंखों के ऊपर चढ़ी रहती है, जिससे वाटर जो होता है इनकी आई के थ्रू इनके बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, या आई के अंदर नहीं जा पाता, आंखों के अंदर नहीं जा पाता। तो फंक्शनल कहाँ है, जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं जीवित, जो पानी के अंदर जीव पाए जा रहे हैं, उनके अंदर ये फंक्शनल है।
तो ये सिद्ध कर रहा है कि हमारे पूर्वज जो रहे होंगे वो पहले कहाँ रहे होंगे, पानी में रहे होंगे। तो ये भी एक प्रमाण है कौन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, कि हमारा इवोल्यूशन पानी से हुआ। समझ में आया? तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये आज हमारे बॉडी में फंक्शनल नहीं है, ठीक है। अगर आप पानी में जाकर के आँख खोलते हैं तो आँखों में पानी चला जाता है, खैर हमें तो पानी से बहुत डर लगता है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, कॉमा ईयर पिन्ना, आंखों के बाहर जो पिन्ना आप देख रहे हैं इसका भी कोई फंक्शन नहीं है, पहले होता था। या अगर आप देखें जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक हम लोग ऐप की बात करें, कपी की बात करें, या मंकी की बात करें, या अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनमें पिन्ना बड़ा होता है, तो ये पिन्ना क्यों बड़ा होता है? पिन्ना इसलिए बड़ा होता है कि जो साउंड वेव है ना, तो साउंड वेव है किधर से आ रहा है उसको कैप्चर करने के लिए पिन्ना होते हैं। तो पिन्ना क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई आवाज़ आने लगती है अचानक से जंगलों में, तो सारे ऑर्गेनिज्म खड़े हो जाते हैं, मतलब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अपनी मुंडी उठा लेते हैं, डिस्कवरी देखो, और उनके कान जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और फिर अपने कान को रोटेट करके देखते हैं कहाँ से साउंड आ रहा है ना। साउंड की कैप्चरिंग के लिए पिन्ना का आवश्यकता थी, लेकिन अब हम लोगों की आवश्यकता है ये नहीं इसकी। तो जो ईयर पिन्ना है ये भी हमारे में एक वेस्ट वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जा रहा है, या वेस्ट है, ठीक है। कॉमा विजडम टीथ, सर विजडम टीथ किसे कहते हैं? अरे अक्कल की दाढ़ यार, जो थर्ड मोलर भी इसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड मोलर हमने पढ़ा है ना, थर्ड मोलर टीथ, ये भी वेस्ट है हमारे बॉडी में, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लिख सकते हैं विजडम टीथ, थर्ड मोलर। कॉमा कैनाइन टीथ, सर कैनाइन टीथ भी है? हाँ यार, कौन सा आप कच्चा मांस खाते हो भाई, कच्चा मांस अगर आप खाते हैं तो मतलब क्या हम कह सकते हैं, मतलब चीर फाड़ के अगर आप खाते होते तो ये बड़े बड़े होते। अब आप ये मत कहना सर आपके तो कैनाइन टीथ जो है वो काफ़ी बड़े हैं, ये आप कच्चा मांस खाते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, मैं आगे बताऊंगा। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटिविज्म। तो एटिविज्म जो होता है, एटिविज्म में क्या होता है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में बहुत अच्छे से पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में वो नहीं पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें नहीं पाई जा रही। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर जो हमारे पूर्वज के करैक्टर होते हैं वो प्रदर्शित होने लगते हैं, जैसे कैनाइन टीथ का बड़ा होना। तो हमारे पूर्वजों में तो कैनाइन टीथ डेफिनेटली बड़े थे, तो किसी किसी बच्चों के या किसी किसी ह्यूमन बींग्स के कैनाइन टीथ काफ़ी बड़े होते हैं। तो कैनाइन टीथ तो वैसे भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, दैट मीन्स वेस्टिजियल टीथ है। आप फ्लैशी मीट नहीं खाते हैं, अगर मीट खाते भी तो पका करके खाते हैं ना, तो उसको चबाने और चीरने फाड़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, जब आप आग का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब डेफिनेटली कच्चा मांस खाते होंगे ना, तो कैनाइन टीथ उसमें पाए जाते थे, उनमें ये फंक्शनल थे। कॉमा बॉडी हेयर, ये भी बहुत अच्छी बात है, बॉडी हेयर्स। आज हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जब ठंडी आती है तो स्वेटर बना लिए हैं, जैकेट बना लिए हैं, पहन लेते हैं, ठंड नहीं लगती, टोपा मोजा सब कुछ गरम गरम पहन लेते हैं, है ना। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या जो ठंडी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, क्या वो भी ये सब पहनते हैं? उन्होंने भी फैक्ट्री अपनी लगा के रखी है? नहीं, उनके बॉडी के ऊपर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हेयर पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारा हेयर पाया जाता है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो हमारे पूर्वज जब ये सब नहीं, हम ये कह सकते हैं आविष्कार हुआ होगा ये सब बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, हमारे पास में क्या था, नेचुरली बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते होंगे बहुत सारे। तो आपने किसी किसी व्यक्तियों में देखा होगा कि बहुत सारा हेयर उसके बॉडी पर है, बहुत ढेर सारा हेयर पाया जा रहा है। तो डेफिनेटली क्या हुआ, उस बंदे के अंदर जो उसका एंसेस्टर है, यानी हमारे जो एंसेस्टर है उसके, यानी हमारे भी एंसेस्टर जो है उनके जो करेक्टर है वो क्या हो गए, शो हो गए। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस पर एक शॉर्ट नोट आता है, मैं लिखाऊंगा भी आगे। तो कैनाइन टीथ हो गया, बॉडी हेयर हो गए, कॉमा टेल वर्टिब्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेल वर्टिब्री। अब आप कहेंगे सर टेल वर्टिब्री क्या होता है, तो टेल वर्टिब्री आप लिख लें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो स्पाइनल ब्रैकेट में लिखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जो आपका 3 से 5 अनडेवलप्ड वर्टिब्री होते हैं, जो 3 to 5 अनडेवलप्ड वर्टिब्री होते हैं वो आपस में समेकित होकर के, वर्टिब्री होते हैं वो आपस में कंडेंस होकर के समेकित होकर के
फ्यूज होकर के एक बोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सिक, आपस में फ्यूज होकर के एक बोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है कॉक्सिक, ठीक है। तो जो कॉकिक्स है, जो कॉकिक्स बोन है, ये डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये कई बोन का समेकित है, दैट मीन्स 3 से 5 अनडेवलप्ड बोन आपस में क्या हुई है, कंडेंस होकर के एक बोन का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है कॉकिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यही वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स में जो कॉकिक्स होता है ये टेल जो होती है उनमें पाई जाती है, तो टेल वाली जो बोन होती है, पूंछ की जो बोन होती है उनमें ये बोन्स पाई जाती हैं। ह्यूमन बींग्स में बोन्स नहीं होता है, लेकिन किसी किसी बच्चों में एक छोटी बोन भी डेवलप हो जाती है, कुछ समय के लिए छोटी बोन डेवलप हो जाती है। दिस प्रोसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एटिविज्म, राइट। और इसमें क्या होता है कि जो पूर्वज के कैरेक्टर होते हैं वही सो होने लगते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टेल वर्टिब्री होते हैं ये भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करते। लास्ट के जो स्पाइनल कार्ड का जो लास्ट वाला वर्टिब्री होता है, सबसे लास्ट का जो कॉनिकल फॉर्म में होगा, अगर आप टच करें यहाँ पर बैक साइड में, तो ये आपको एकदम इस तरीके से महसूस होगा कि कॉनिकल फॉर्म में है, ठीक है, टेल। तो ये कॉक्सिक जो है ये समेकित होकर के अनडेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड है। स्पेशली वर्टिब्री जो होती है यहाँ पर 3 से 5 वो समेकित होकर के एक बोन बनाती है, इसका नाम है कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में क्या है, वेस्ट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। आदि के रूप में लिख लो, आदि के रूप में पाए जाते हैं, आदि के रूप में पाए जाते हैं इन ऑर्गन्स का ह्यूमन की बॉडी में, इन ऑर्गन्स का ह्यूमन की बॉडी में किसी भी प्रकार का यूज नहीं होता है। इन ऑर्गनिज में ह्यूमन की बॉडी या इन ऑर्गन्स का ह्यूमन की बॉडी में किसी भी प्रकार का यूज या प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात हमारी हो गई किसकी, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या क्या वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, वैसे तो 100 से अधिक पाए जाते हैं। कुछ ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन है जो आपको याद रखना है, जैसे वर्मीफॉर अपेंडिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ईयर पिन्ना, विस्टम टीथ, कैनाइन टीथ, बॉडी हेयर, टेल वर्टिब्री, राइट। ये सारे के सारे क्या है, हमारे बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाए जा रहे हैं, ये बॉडी हेयर्स। चलिए अब इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए, वेस्टिजियल ऑर्गन इन अदर एनिमल। तो कुछ अन्य एनिमल्स में भी आपको वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जैसे तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगा, वेस्टिजियल ऑर्गन इन अदर एनिमल्स, लिखें फटाफट। ह्यूमन के अलावा कुछ अन्य एनिमल्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लाइटलेस बर्ड यानी कि ऐसी पक्षी जो उड़ नहीं पाता है, लेकिन इनमें आपको विंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स में विंग्स का पाया जाना कॉमा पाइथन व अदर स्नेक में अगर आप स्नेक्स को देखें ध्यान से, जिसमें पाइथन और अन्य स्नेक्स की अगर हम लोग बात करें, में हाइंड लिम्ब, अगर हम इसके बोन की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसमें हाइंड लिम्ब व फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब व फोर लिम्ब नहीं बल्कि हाइंड लिम्ब व पेल्विक गर्डल डालिए सॉरी हाइंड लिम्ब व पेल्विक गर्डल सोनी मेखला जिसको कहते हैं पेल्विक गर्डल के रिमेन्स का पाया जाना, अवशेषों का पाया जाना, पेल्विक गर्डल के रिमेन्स का पाया जाना, तथा हॉर्स के, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा हॉर्स के हाइंड लिम्ब यानी पश्चपादों की अगर आप बात करेंगे तो उसके पिछले पैर में तथा हॉर्स के हाइंड लिम्ब में स्प्लिट बोन जिसका कोई फंक्शन नहीं है लेकिन ये पाई जा रही है, स्प्लिट
बोन का पाया जाना आदि, स्प्लिट बोन का पाया जाना आदि। तो ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी ऑर्गन पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे बोन पाए जा रहे हैं जिनका इनके बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं, लेकिन ये है, ठीक है। तो हॉर्स का अगर आप देखें तो हॉर्स का जो हाइंड लिंब होता है इसमें स्प्लिट बोन पाई जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो हम ये कह सकते हैं टीबिया फेबुला होती है, तो टीबिया फेबुला के जस्ट पीछे एक और बोन अटैच रहती है जिसको हम लोग स्प्लिट बोन कहते हैं, जिसका कोई फंक्शन नहीं है हॉर्स के अंदर, ठीक है। अब थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट। पौधों में भी आपको वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखें, लिखो इसमें, प्लांट्स में भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, पौधों में भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे जैसे ज़ीरोफाइट्स में, यानी ज़ीरोफाइट प्लांट में, ज़ीरोफाइट्स में स्टेम की सरफेस पर, ऐसे पौधे जो ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे हैं जहां पर पानी की कमी है, ज़ीरोफाइट्स स्टेम में या स्टेम की सरफेस पर स्टोमेटा का पाया जाना, रंध्रों का पाया जाना, स्टोमेटा का पाया जाना, कॉमा, फ्लावर में, पौधों में, फ्लावर में स्टेमिनोड्स की प्रेजेंस, स्टेमिनोड्स की प्रेजेंस जिसका कोई काम नहीं है, स्टेमिनोड्स की प्रेजेंस, कॉमा, या तथा साइकस आदि एक्वाटिक प्लांट के, तथा साइकस आदि, तथा साइकस एवं अन्य अदर एक्वाटिक प्लांट्स के, एक्वाटिक प्लांट्स के मेल गैमीट में, मेल गैमीट में सीलिया का पाया जाना, मेल गैमीट्स में सीलिया का पाया जाना, सीलिया का पाया जाना आदि आदि। आदि सभी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में होते हैं, आदि सभी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में होते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे पार्ट निकाले गए हैं, कंपोनेंट निकाले गए हैं प्लांट्स के, जो प्लांट्स में किसी भी रूप में कोई भी फंक्शनल कार्य नहीं करते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो वाटर लेवल से ही हुआ है, वाटर से ही हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारी बात होगी वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा कंप्लीट होता है। तब इसके बाद में एक और पॉइंट या एक हेडिंग डाल दीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं एटिविज्म। तो यहाँ पर जो एटिविज्म है इस पर एक अलग से शॉर्ट नोट आता है। एक्चुअल में एटिविज्म होता क्या है, एटिविज्म जो है एक कॉमन लैंग्वेज में समझ लीजिए, एक ऐसी घटना होती है, हम ये कह सकते हैं, या एक ऐसा फैक्ट होता है जिसमें जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों में जो लक्षण पाए जाते थे वो हमारे अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पूर्वजों में जो लक्षण पाए जाते थे वो वर्तमान समय के जो जीव हैं उनमें लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन वह लक्षण किसी न किसी एक ऑर्गेनिज्म में या मेनी ऑर्गेनिज्म में प्रकट होने लगे, वो लक्षण प्रकट होने लगे वर्तमान समय के ऑर्गेनिज्म में, तो ऐसी प्रोसेस को या ऐसी घटना को हम लोग एटिविज्म कहते हैं। ये सिंपल है, लिख लो इसमें, पहले तो फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए एटिविज्म। तो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, एटिविज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, या एक दो नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज एटिविज्म, एटिविज्म से आप क्या समझते हैं। तो लिखो, कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, नहीं लिखो, कभी कभी
किसी ऑर्गेनिज्म में अचानक से, कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में सडनली अचानक से कोई कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, कोई लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो प्रेजेंट स्पीसीज का कैरेक्टर ना होकर, जो प्रेजेंट स्पीसीज का कैरेक्टर ना होकर किसी प्रिमिटिव एंसेस्टर स्पीसीज का होता है, ना होकर किसी प्रिमिटिव एंसेस्टर स्पीसीज का होता है, प्रिमिटिव एंसेस्टर स्पीसीज का होता है, ऐसे कैरेक्टर को एटेविज्म या रिवर्सन कहते हैं, एटेविज्म या रिवर्सन। तो आप यहां पर रिवर्सन भी डाल सकते हैं, रिवर्सन, एटेविज्म या रिवर्सन कहते हैं। क्वेश्चन रिवर्सन पे भी पूछा जा सकता है, तो बात ही कही है। रिवर्स मतलब पीछे आ गए, यानी कि जो करेक्टर निकल गए, वो करेक्टर जाए चले गए थे, उनका हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी आना नहीं था, लेकिन वो आ गए, है ना, हम पीछे की ओर चले गए, तो पिछले करेक्टर हमारे अंदर डेवलप होने लगे, तो क्या लिखा, रिवर्सन कहते हैं। इस प्रकार के करेक्टर सामान्यतः, इस प्रकार के करेक्टर सामान्य नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं। अतः किसी ह्यूमन में, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन में, अतः किसी ह्यूमन में ये कैरेक्टर अचानक से प्रकट होते हैं, अतः किसी ह्यूमन में ये कैरेक्टर अचानक से डेवलप या प्रकट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नंबर एक, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लो, नंबर एक पहला करेक्टर क्या हो सकता है, ये देखा गया है, ठीक है, इसीलिए ये करेक्टर यहां पर लिखे गए। जैसे नंबर एक, किसी किसी ह्यूमन में कैनाइन टीथ, किसी किसी ह्यूमन में या ह्यूमन बीइंग्स में कैनाइन टीथ लार्ज व कोनिकल होते हैं, बड़े व नुकीले होते हैं। कैनाइन टीथ लार्ज व कोनिकल होते हैं, मेरे बहुत बड़े नहीं है। नंबर दो, अब अक्षय कुमार को देखिए, उसके कैनाइन टीथ जो है हल्के से बड़े आपको नजर आते हैं। नंबर दो, किसी किसी ह्यूमन में या किसी किसी ह्यूमन के बेबी में, या ऐसे लिख लो, किसी किसी ह्यूमन की बॉडी में, बॉडी में लिखो, बेबी में बाद में लिखेंगे, किसी किसी ह्यूमन की बॉडी में या बॉडी पर या बॉडी में एप के समान, यानी कि कपि के समान, कपि के समान लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, घने लंबे बाल, लॉन्ग हेयर एप के समान लॉन्ग हेयर पाए जाते हैं, किसी किसी ह्यूमन में देखने को मिलेगा। बेसिकली ह्यूमंस, आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो वो डेवलप हो रहे हैं, वो पता नहीं वैक्स करवाते कि नहीं करवाते, लेकिन बहुत ही स्मूथ रहती है उनकी बॉडी। खैर, तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं जिनके अंदर रिवर्सन हो सकता है, उनके पूर्वज के कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर बहुत सारा हेयर हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिख लो, एक और कैरेक्टर हो सकता है, कभी कभी किसी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बेबी में कर दो यहां पर, कभी कभी किसी ह्यूमन बेबी में कुछ समय तक, फ्यू टाइम, कुछ समय तक के लिए स्मॉल टेल, छोटी पूंछ
किसी किसी ह्यूमन बेबी में, कभी कभी किसी ह्यूमन बेबी में कुछ समय के लिए स्मॉल टेल पाई जाती है या डेवलप होती है। एक और लास्ट लिख लो पॉइंट, हो सकता है कि ये भी हो, टेल का होना। अगला पॉइंट लिख लो, मनुष्यों में निप्पल की, ह्यूमन में, ये भी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन में निप्पल्स की सिमिलर थोरेसिक पेयर के अलावा, निप्पल्स की सिमिलर थोरेसिक पेयर के अलावा, सिमिलर थोरेसिक पेयर के अलावा, आपको पता है कि जो निप्पल्स होते हैं वो थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं और वन पेयर होते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या, इनके अलावा भी निप्पल्स एब्डोमिनल रीजन में भी पाए जा सकते हैं। थोरेसिक रीजन में तो है ही है, लेकिन एब्डोमिन रीजन पर भी डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये कुछ ऐसे एंसेस्टर से डेवलप हुआ होगा ह्यूमन बींग जो पहले पाए जाते थे। तो ह्यूमन बींग्स में निप्पल्स सिमिलर थोरेसिक पेयर के अलावा एब्डोमिनल रीजन पर, एब्डोमिनल रीजन पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पेयर में, जोड़े में, एक या एक से अधिक जोड़े में पाए जाएं, प्रेजेंट हो। तो ये भी क्या है, हम कह सकते हैं कि एक एटविज्म है या रिवर्सन है, ठीक है, जो जो हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर हैं वो हमारे बच्चों में या हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं, राइट। तो नई लाइन से स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए या एक लाइन छोड़ करके लिख लीजिए। सी डोलो एक साइंटिस्ट है, सी डोलो ब्रैकेट में कर दीजिएगा 1893, सी डोलो 1893 के अकॉर्डिंग, 1893 के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म में यानी किसी जीव में इनके एंसेस्टर के स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसी जीव में इनके पूर्वज के या इनके एंसेस्टर के स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं जो इस ऑर्गेनिज्म की, जो इस ऑर्गेनिज्म की उस एंसेस्टर से, यानी कि जो जिसके कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं उससे, जो इस ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म की उस एंसेस्टर से ओरिजिन को स्पष्ट करते हैं, विकास को प्रकट करते हैं, जिसे डोलस लॉ, जिसे डोलस लॉ भी कहते हैं। यानी कि ये डोलस साहब ने पहले कह दिया कि हो सकता है कि जो पूर्वज हैं उनके जो कैरेक्टर हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रकट होते हैं, और अगर वो कैरेक्टर इनमें प्रकट हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो है कि इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो उनके जैसे एंसेस्टर या ऐसे कैरेक्टर जो अदर ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं उनसे ही हुआ है, कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। तो ये जो लॉ यहाँ पर बन गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोलस लॉ बोलते हैं, ठीक है। जरा सा सन में कन्फ्यूजन है, 1893 होगा या 1693 होगा, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, गूगल बाबा से पूछिएगा वो बता देंगे। तो फिलहाल तो 1893 ही मुझे लग रहा है, यही होगा, ठीक है। तो ये बात हमारी होती है कंप्लीट वेस्टिजियल ऑर्गन की। देन इसके बाद में एक सेकेंड एविडेंस जो हमको देखने को है वो क्या है, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी एंड कंपरेटिव एनाटॉमी के लेवल पर हम लोगों ने यहाँ पर प्रमाण देख लिए। अब बात आती है यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पर कि जो प्रमाण हमको देखने को मिले हैं वो क्या एम्ब्रियोलॉजी पर भी एक समान है, राइट। यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है अदर अदर ऑर्गेनिज्म में वो कैसा हो रहा है, वो किसके सिमिलर हो रहा है, तो उसके लेवल पर भी हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, एविडेंस प्राप्त होता है, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।